ये कहानी तुकाराम नाम के इंसान की है जो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट रहता है, मगर वक्त के साथ इंसान का शरीर भी ढलने लग जाता है और वह आर्कोलॉजिस्ट बनता है। तुकाराम खाने का बहुत शौकीन है और समय के साथ इंसान को रियलाइज होता है कि एक सच्चे जीवन साथी की जरूरत है। दूसरी तरफ ऑफिस का काम फिनिश होने के बाद आरजे मधुरा को बहुत ज्यादा भूख लगती है। तभी गलती से तुकाराम को कॉल करती है और वह आलू के पराठे का ऑर्डर करती है। कॉल कटने के बाद तुकाराम अपने बावर्ची के साथ बिजी हो जाता है। बहुत वेट करने के बाद जब उसका ऑर्डर नहीं आता तब आरजे मधुरा तुकाराम को फिर से कॉल करती है और अपने ऑर्डर के बारे में पूछती है। ड्रिंक की हालत में तुकाराम पूछता है कि आपने किसको कॉल लगाया है, तो आरजे मधुरा बताती है कि पम्मी का ढाबा। भूख से तड़प रही मधुरा और तुकाराम के बीच लड़ाई चालू हो जाती है। कॉल फिनिश्ड होने के बाद चुपके से सिद्धार्थ तुकाराम मामा के मोबाइल से मधुरा को आई एम सॉरी का मैसेज भेजता है। सिद्धार्थ तुकाराम पम्मी के ढाबे से आलू के पराठे खाने के बाद फोन से मधुरा और तुकाराम एक दूसरे से माफी मांगते हैं और उनकी बातचीत चालू हो जाती है। हर रोज फोन में बात करने की वजह से एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो लोग मिलने का प्लान बनाते हैं। तभी तुकाराम अपनी जगह सिद्धार्थ को मिलने भेजता है और मधुरा अपनी दोस्त निकोल को भेज देती है। आपस में बातचीत होने के बाद सिद्धार्थ अपने मामा को बताता है कि उम्र में बहुत छोटी है और मामा का दिल टूट जाता है क्योंकि मामा को लगता है कि वह मुझसे बहुत छोटी है और मैं उसके सामने अंकल लगूंगा। दूसरी तरफ निकोल भी अपनी दोस्त से उम्र में छोटे होने की बात बताती है और मधुरा का भी दिल टूट जाता है, मगर वह एक दूसरे को भूलते नहीं हैं क्योंकि वो पुरानी कॉन्वर्सेशन को याद करते रहते हैं। मीटिंग के बाद निकोल और सिद्धार्थ अपने प्राइवेट नंबर से बातचीत करने लग जाते हैं और एक दूसरे को डेट करने लग जाते हैं, मगर वो एक दूसरे को अपने असली नाम नहीं बताते बल्कि तुकाराम और मधुरा बनकर एक दूसरे से मिलते रहते हैं। इधर तुकाराम और मधुरा की बेचैनी को देखकर उनके दोस्त इंसिस्ट करते हैं कि एक बार आमने सामने मिलकर अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लेना चाहिए। तब दोनों एक दूसरे को कॉल करके मीटिंग स्पॉट तय करते हैं। ये कॉन्वर्सेशन सिद्धार्थ और दूसरी तरफ निकोल के सामने हो रही होती है। इस वजह से निकोल और सिद्धार्थ घबरा जाते हैं और उनसे पहले मीटिंग स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर दोनों सच्चाई बता देते हैं, इसके बावजूद भी वह एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। दूसरी तरफ जब मधुर और तुकाराम मिलते हैं तब वह भी एक दूसरे को देख कर बहुत खुश होते हैं और दोनों एक दूसरे के गले लगकर प्यार का इजहार करते हैं और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। ऐसी ही स्टोरीज के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।